हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू आर यूट्यूब चैनल एसएससी ऑलराउंडर। 2024 की जो डेली टारगेट सीरीज हमारी चल रही थी सीजीएल की, उसका है आज डे 8। ठीक है, डे 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप न्यू वन हो इस सीरीज में तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना है और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर पर्टिकुलर इस पे डेली टारगेट सीरीज पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस डेली टारगेट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखेंगे, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन जरूर आप उसकी दिशा में बढ़ पाओगे। तो डे 8 का टारगेट करने से पहले डे 7 तक के टारगेट करके आना। ठीक है, चलते हैं आज के टारगेट पे। पूरा वीडियो सुना करो, क्योंकि बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आप मिस कर देते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब ऐसे वीडियोस आए इस सीरीज से जुड़े हुए तो आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। तो नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी आप प्रेस कर देना। तो चलते हैं डे 8 के टारगेट पे। देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन की बात करूँ तो हमने स्क्वायर 50 तक याद कर लिए थे, क्यूब जो है आपने 10 तक याद कर लिए थे। आज आपको 11 से 15 तक के क्यूब याद करने हैं, लाइक 1331, 11 का, 12 का, 1728, 13 का, तो इस तरह से सबके 2744 या जो भी है आपको सब याद करने हैं। ठीक है, 15 तक के याद क्यूब याद करने हैं। 2 डिजिट × 2 डिजिट, इसकी हमने कल प्रैक्टिस की थी। आज एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर कल समझ में नहीं आया तो आज समझने की कोशिश करना और इस पर ढेर सारी प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। जो आपको टारगेट दिया जाए कैलकुलेशन को लेके, वो करते रहना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ जरूर करते रहना, अदरवाइज कैलकुलेशन ही आजकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो लाइक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 32 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 57 से, लाइक। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 14 का 4 और 1। अब इसको फर्स्ट से और इसको दूर दूर वाली को आपस में और पास पास वाली को आपस में, तो 7 21 और 5 2 10 कितना हो गया 31, 31 और 1 32 का 2 और यहाँ 3। अब फर्स्ट को फर्स्ट से 15 और 3 18, तो ये हो गया। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। और इस तरह से अगर आपने 50 60 70 100 80 मल्टीप्लाई कर लिया ना प्रैक्टिस में, उसके बाद आपकी जो स्पीड होगी आप बहुत धुआंधार स्पीड होगी। तो ठीक है, इस तरह से आपको नंबर्स लेने हैं और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत सारे एग्जांपल लेके रफ रजिस्टर को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का आज का आपका टारगेट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होगी, बिकॉज एक कॉम्प्रिहेंसिव टारगेट है। इस टारगेट में आपको कुछ ऐसा मिस नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। लाइक अगर आप इसको फॉलो करते हो और आपका जो रिस्पॉन्स है वो दिख भी रहा है कि हाँ टारगेट सीरीज की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो अब मैथ्स के सब्जेक्ट पर चलते हैं। मैथ्स सब्जेक्ट में आपको जो परसेंटेज टॉपिक था वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। तो प्रॉफिट लॉस में डे 1 आज है आपका और डे 7, मतलब 7 डेज में आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। लाइक ये 7 डेज है, बट आपको सैटरडे संडे बीच में रिवीजन डेज मिलते हैं, तो टोटल आपको पता है 10 डेज प्लस आपको मिलते हैं एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक करना है, डे 1 है। क्लास ये क्या है, ये क्लास है कि आप अगर क्लास करना चाहते हो तो क्लास कर लो। ठीक है, अदरवाइज आपके नोट्स हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको स्टार्ट करना है रिवीजन करना। और लाइक डे 1 में क्या रिवाइज करना है, तो डे 1 में आपको रिवाइज करना है बेसिक चीज़ें, लाइक a+b - ab / 100, प्रॉफिट कब होता है 25 और मान लो पहले मैंने एक वस्तु बेची 25% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 10% का लॉस आ रहा है, फिर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से जो एक सीरीज टाइप में प्रॉफिट होता है, एक फॉर्मूला बेस्ड जो प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो आपको डे 1 में करना है। बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो आपको सीखना है। तो 7 डेज का टोटल है और आपको डे 1 ये है। प्रैक्टिस करनी है 350 से 400 क्वेश्चन किस टॉपिक के, परसेंटेज टॉपिक के। परसेंटेज टॉपिक है 350 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज आपको ये 50 क्वेश्चन लगाने हैं। क्लास तो मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास की लिंक है वो मैंने शेयर कर दी थी 2 दिन पहले ही ग्रुप में, ताकि जिनका कंप्लीट हो चुका है वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सके। तो शुभम जैन सर की 8R की वीडियो है, उसका लिंक मैंने डाल दिया है ग्रुप में, तो आप जाओगे ज्वाइन करके ग्रुप में तो आपको पिन मैसेज में वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है वो ये टॉपिक कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इस सीरीज में हम आपको क्लासेस भी इंक्लूड कर रहे हैं कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, और सब चीज़ें इंक्लूड है। अब हम चलते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश ग्रामर में आपका नाउन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन डे 1 है, 7 डेज में हम कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 7 डेज ऑलमोस्ट वैसे हम मान सकते हैं 10 डेज के इक्वल होते हैं। और प्रोनाउन नाउ, जैसे नाउन कंप्लीट हुआ उसी तरह प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। तो टारगेट सीरीज के साथ अगर जुड़े रहोगे तो शायद चीज़ें धीरे होगी बट बहुत अच्छी हो जाएगी। वोकेबलरी की बात करें तो 1 वर्ड करने हैं 200 से 220, ईडियम करने हैं 150 से 170। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पहले 20 मिनट में जो पुराना पढ़ा है वो रिवाइज करना, देख लेना, केवल देखना, रटना नहीं है उसको। 20 से 25 मिनट या 30 मिनट जितनी भी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको केवल देखना है पुराना, और उसके बाद ये पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो क्लोजेस करना है 10 से 11 नंबर, पैरा जंबर करना है 65 से 70 नंबर, पैराग्राफ करना है 8 नंबर। आप लोगों की कईयों की शिकायत है कि सर इनमें से सही नहीं होते हमारे, तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर कोशिश करूँगा एक वीडियो ला पाऊँ। ठीक है, तो अभी आप कोशिश करते रहो कि ये आपको हो पाए, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही इंप्रूवमेंट होगा। तो जस्ट आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, तो जितना गलत हो होने दो, उसका सोल्यूशन देखो और समझने की कोशिश करो, एंड
इनको आपको करना, ये आज का टारगेट है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में छोड़ मत देना। फिर कह रहा हूँ चाहे आए चाहे ना आए, ये आपको करना ही करना है, चाहे गलत हो जाए सारे के सारे चलेगा, बट ये आप प्रैक्टिस मत छोड़ना। रीजनिंग की बात करें तो नंबर एनालॉजी की जो क्लास की लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा, आपको वो नंबर एनालॉजी की क्लास जो है देखनी है, ठीक है। जीके की बात करूँ तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, सोंग कण्व सातवाहन वंश, मौर्यन एम्पायर के बाद में आपको लूसेंट में ये मिलेंगे, सोंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये आपको पढ़ना है, तीनों टॉपिक पढ़ना है, सोंग, कण्व और सातवाहन। बहुत छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्स हैं, लाइक एक पैराग्राफ आपको याद करना और कुछ नहीं याद करना, तो लूसेंट में आप देखोगे तो एक पैराग्राफ मिलेगा इसका। स्टैटिक जीके की बात करूँ तो स्पोर्ट्स ट्रॉफी आज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये था आपका डे एट का टारगेट, लाइक कि मुझे लगता है आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा डे एट तक का टारगेट, वो ये टारगेट सीरीज बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से चल रही है। इन चीज़ों को नोट कर लिया करो एक कॉपी में, ठीक है, डे वन, डे टू, डे थ्री सारे आपके नोट होने चाहिए कॉपी में, और फिर टिक लगाते रहो कि हाँ आज मैं आज का मैंने कर लिया, कल का कर लिया, और ये टिक ही आपको दिखाएगा कि सच में आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपना रिव्यू दे सकते हो, आप अपना जो भी आपको लगता है माइंड में कि हाँ यार ये टारगेट सीरीज ऐसी है या ठीक है गलत है जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स आप दे सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और जल्द मिलते हैं डे 9 के टारगेट के साथ, ठीक है, लंबे टाइम तक साथ रहना है तो चैनल पर बने रहना। बाय बाय दोस्तों।